हेलो फ्रेंड, डिजिटल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड, अगर आप किसी का आधार कार्ड डाउनलोड करने जाते हो आधार नंबर देकर या यूआरएन नंबर देकर या वर्चुअल आईडी नंबर देकर, और आपके सामने ये वाला नोटिफिकेशन शो होता है जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी लिखा हुआ देख सकते हो, जिसमें आपका लिखा हुआ आता है योर आधार डजंट हैव ए मोबाइल नंबर, प्लीज़ रजिस्टर अपडेट योर मोबाइल नंबर इन आधार। इस तरीके का अगर स्टेटस शो होता है तो फ्रेंड ये आपका क्यों शो होता है और क्या करने पर आपके सामने ये वाला नोटिफिकेशन शो नहीं होगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर फ्रेंड आप किसी का या खुद का आधार कार्ड डाउनलोड करने जाते हो और आपके सामने ये वाला स्टेटस शो होता है तो फ्रेंड इसका मतलब होता है कि आप जिसका आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हो उसके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है। तो फ्रेंड फर्स्ट आपको किसी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाके आपको फर्स्ट आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक्ड या अपडेट करवा लेना है। अगर आपको लगता है कि आपने मोबाइल नंबर को लिंक्ड किया था और आपने इनरोलमेंट रिसिप्ट के जरिए आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो तो फ्रेंड फर्स्ट आपको चेक कर लेना है स्टेटस को कि आपके आधार कार्ड बना है या नहीं। अगर आपके आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ही स्टेटस शो होगा। तो फ्रेंड फर्स्ट आप अपना इनरोलमेंट रिसिप्ट के जरिए आप अपना आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अगर आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो आपके सामने ये वाला स्टेटस शो होगा। अगर आपका सक्सेसफुली आधार कार्ड जनरेट हो जाता है या अपडेट हो जाता है तो आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो की जानकारी आपको जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।